चलिए तो बच्चा लोग तीसरे पार्ट को शुरू कर दो। पार्ट हमने काम कर लिया है और तीसरे पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्स इंटरमीडियस, है ना, इंटरमीडिएट लोब, इसको कि हमने एंटीरियर लोब को ही सब डिवीजन में रखा था। हमने पहले ही बात किया था कि यहाँ से सिर्फ एक हार्मोन निकलता है, एमएसएच। एमएसएच का पूरा नाम है मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो एमएसएच है ये मेलानोसाइट बनाता है। मेलानोसाइट एक्चुअली हमारे स्किन का जो कलर है ना वो उसी मेलानिन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई काला चिकन किसी को टांग के ले आओ, बहुत डेंसली ब्लैक होता है वो, तो डेंसली ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि उसके बॉडी में मेलानिन बहुत बनता है। ठीक है, मतलब यूं समझो कि मेलानिन ज्यादा तो रंग काला, मेलानिन कम तो रंग उजला। और ये मेलानिन बड़ा फायदे का चीज है बाबू। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो भी ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहां पे गर्मी ज्यादा होता है, और उस गर्मी का रीजन होता है सनलाइट। तो वैसे जगह पे सनलाइट ज्यादा है मतलब यूवी रे ज्यादा है, यूवी रे ज्यादा है तो चांसेस है कि उनको स्किन कैंसर हो जाए। लेकिन उस यूवी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि प्रोटेक्टेड रहे आदमी। तो चलिए इसके बारे में कुछ एक आध शब्द, एक ही शब्द लाइन तो लिखना है। रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। ये बात हमने पहले ही कर चुके हैं कि ये हमारे में रुडिमेंट्री होता है, ज्यादा यूज का नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट इज पार्स नर्वोसा, इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा। पार्स नर्वोसा बहुत क्वेश्चन का एरिया है पार्स नर्वोसा। देखो सबसे पहला जो हार्मोन आप यहां से पढ़ेंगे वो होगा ईडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हमने इसके बारे में ह्यूमन एक्सक्रीशन में भी बात किया था, यहाँ वापस लिख बोल रहे हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन का एक और नाम वैसोप्रेसिन भी है, और सिंथेटिक फॉर्म में इसको पेट्रेसिन भी बोलते हैं, बट आई डोंट गेस कि आपको ये क्वेश्चन आएगा इसलिए याद नहीं रखना। चलिए इसके बारे में दो तीन शब्द या लाइन जो कह लो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन किडनी ट्यूब्यूल्स, वाटर एंड सॉल्ट्स इन किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, वाटर और साल्ट को ये एब्जॉर्ब करता है किडनी ट्यूब्यूल्स में, इसलिए इसको ऑस्मो रेगुलेटरी हॉर्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑस्मो रेगुलेटरी हॉर्मोन, ऑस्मो रेगुलेटरी हॉर्मोन, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन करता है बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कितना रहेगा उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी हमारे किडनी से अगर एब्जॉर्ब कर लेगा जाहिर सी बात है यूरिन का अमाउंट कम हो जाएगा, उसमें पानी कम रहेगा तो जाहिर सी बात है यूरिन कम होगा। तो लिखेंगे डिक्रीजेस यूरिन आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये कम हो गया, अगर गलती से भी इसका अमाउंट कम हो गया तो क्या होगा? तो देखो ड्यू टू इट्स लो सिक्रीशन, कम हो गया तो क्या होगा? जो बीमारी होगा उसको बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, इंसिपिडस। देखो दो तरह का डायबिटीज होता है, एक होता है डायबिटीज मलिटस जिसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल बढ़ जाता है,
और दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें यूरिन क्वांटिटी हाईली इंक्रीज कर जाता है, बॉडी में पानी का कम हो जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, चलो ये था पार्स नर्वोसा का फर्स्ट हार्मोन ADH। विपार्स नर्वोसा के सेकेंड हार्मोन का भी बात कर लेते हैं, वो होगा ऑक्सीटोसिन। सेकेंड हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। देखो इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, बर्थ हार्मोन। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तभी रिलीज होता है जब चाइल्ड का बर्थ होने वाला होता है। प्यूबिक सिंफेसिस हम लोग पढ़े थे लोकोमोशन में, याद होगा प्यूबिक एरिया में होता है, उस प्यूबिक सिंफेसिस पे ये एक्ट करता है ऑक्सीटोसिन और उसको रिलैक्स करता है ताकि चाइल्ड आराम से वेजाइना के बाद आ सके एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और उसी वक्त मिल्क सिक्रीट भी कराना शुरू करता है, इसीलिए बोलिए ऑक्सीटोसिन मिल्क सिक्रीटिंग है। लिखेंगे स्टिमुलेट्स मायोमेट्रियम स्टिमुलेट्स मायोमेट्रियम एंड कॉजेज लेबर पेन। चलो जल्दी से इतना लिखो तो ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का एक लाइन ये लिखिए, अगला पॉइंट एक और लिख सकते हो, हार्मोन फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क इजेक्ट हो उसके लिए ये हार्मोन होता है, हार्मोन फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। ओके, इसको आप एक और नाम दे सकते हो, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखो कि ये जो है ना ऑक्सीटोसिन, ये सिर्फ स्मूथ मसल को टारगेट करता है, तो लिख लेना। और देखो मायोमेट्रियम जो है ना वो स्मूथ मसल ही है, मेक्स टारगेट टू स्मूथ मसल्स, इसको टारगेट करता है स्मूथ मसल। चलिए नेक्स्ट हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं, ये है सॉरी ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमारा पिट्यूटरी खत्म हो गया, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज पाइनियल ग्लैंड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इज पाइनियल ग्लैंड। बिना किसी कष्ट परेशानी लाग लग पेट के सीधा सीधा फटाफट से बस काम निकालना है। पाइनियल ग्लैंड से बड़ा चीज आसान हो जाएगा, इसका लोकेशन देखो पहले, पहला लोकेशन कहाँ मिलेगा भाई, तो ये मिलेगा लोकेटेड ऑन भी फोर ब्रेन का एक और नाम देखे थोड़ा देर पहले, मतलब लास्ट क्लास नहीं लेक्चर है ना, फर्स्ट लेक्चर में डाइन से फैला हो रहा है। लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन है ना। अगला पॉइंट, ये एक ही ग्लैंड होता है तो सिंगल स्मॉल ग्लैंड, एक ग्लैंड होता है पेयर में नहीं होता, सिंगल स्मॉल ग्लैंड और छोटा नमूना सा ग्लैंड होता है, एक ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन, इसका जो हार्मोन है उसका नाम बता रहा हूं, सिक्रीट्स इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन। अब ये मेलाटोनिन क्या है देखो, मतलब फंक्शन हार्मोन है तो जाने गए लिखेंगे, इट कॉजेज इनहिबिटरी इफेक्ट। ये से एक्स्ट्रा है, ये वाला पॉइंट सिर्फ ये वाला पॉइंट, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन गोनेट्स है ना, बच्चे का मेल है तो उसका टेस्टिस या फीमेल है तो ओवरी बचपन में मैच्योर नहीं करता, स्पर्म या एक बनाना शुरू नहीं करता, क्योंकि मेलाटोनिन जो है उसको रोक के रखता है ताकि बॉडी का बाकी डेवलपमेंट भी इस हद तक हो जाए कि अगर गोनेट्स मैच्योर किया फर्टिलाइजेशन हो तो
फीटस को कैरी ऑन करने का एबिलिटी फीमेल में आ जाए, या मेल का पूरा बॉडी इतना मैच्योर हो सके कि उसका पेनिस इरेक्ट हो सके और वो इनसेमिनेट कर सके फीमेल को, गोनेट्स इन अर्ली स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, VVI लगातार दिखता है एग्जाम्स में, लिखेंगे। इट रेगुलेट्स सर्कैडियन रिदम, इट रेगुलेट्स सर्कैडियन VIR, सर्कैडियन रिदम मतलब होता है 24 आवर साइकिल। देखो आपके बॉडी का एक रूटीन होता है, अगर आप सुबह में 9 बजे डेली खाते हो तो आप भले ही घड़ी ना देखो लेकिन 9 बजे आपको ऑटोमेटिकली भूख लग जाएगा। ये जो ऑटोमेटिकली भूख लगता है इसका यही कारण होता है कि हमारा बॉडी का एक अपना क्लॉक होता है और उस क्लॉक को ये पता होता है कि अब खाने का टाइम हो। वैसे सोने का टाइम देखो, मान लो तुमको यहाँ सोने का आदत है तो डेली 10 बजे रात में, आप चले गए USA वहाँ उल्टा टाइमिंग होता है, या ऑस्ट्रेलिया ही चले गए, यहाँ जो 10 बज रहा होता है तो वहां पे लगभग सुबह का टाइम होने वाला है, तो जब वहां रात होगा तो आपको नींद आएगा ही क्योंकि आपके बॉडी को आदत है इस टाइम में सोने का जो यहाँ का है ना। तो जगह बदलने से, सनलाइट के चेंज हो जाने से ऐसा होता है कि आपका बॉडी चेंज रिस्पॉन्ड करना, चेंज अलग कर बदल लेगा, उसका रिस्पॉन्ड तो सेम ही होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि इसका सब कुछ अपना होता है, 24 आवर साइकिल को ये खुद से मेंटेन करता है। यार जैसे देखो इसका एक और एग्जांपल देखो ना, सुबह सुबह उठने पे आप खासकर एजेड लोगों का अगर बात करो, अभी तो हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा चेंज हो गया है कि सब कुछ बदल रहा है, बट जो एजेड हैं अभी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका एक फिक्स टाइमिंग होता है, सुबह में 4 बजे फ्रेश होने जाना तो 4 बजे, कई बार तो उन लोगों का नींद ही खुलता है, 4 बज गया प्रेशर बनना शुरू करते लगता 4 बज गया ऐसा वाला। तो ये बॉडी का साइकिल है, बॉडी को पता है कि इस टाइम में हमको ये काम करना है तो ऑटोमेटिकली उसका बॉडी उसी वक्त रिस्पॉन्ड कर देगा, यही होता है सर्कैडियन रिदम। या फिर एक और रिदम भी होता है, एक और साइकिल भी होता है, एंड सॉरी CERCANNUAM सर्कैनम, NAM है ना, सर्कैनम बिहेवियर, ये होता है ईयरली साइकिल, ये बाकी जानवरों में ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे मान लो डॉग्स हो गए, उनको कैसे पता चलता है कि ठंडा आ गया, उनको ब्रीडिंग करना है, उनको तो कोई बताता नहीं है, है ना। या मान लो मौसम चेंज हो गया, जैसे अभी इस साल भी हुआ ठंडा बहुत लेट से पड़ना शुरू हुआ, स्टार्टिंग में तो ठंडा था ही नहीं, तो मान लो पहले के टाइम में तो डॉग्स को पता था अच्छा ठंडा लग रहा है मतलब ब्रीडिंग का टाइम आ गया, चलो इस बार तो ठंडा हुआ ही नहीं, ठंडा जो पड़ा अभी 10 दिन पहले पड़ रहा था, तो डॉग को कैसे पता चला, कैलेंडर तो रखता नहीं कि अच्छा इतना नवंबर आ गया दिसंबर आ गया नाउ टाइम फॉर ब्रीड या टाइम टू मल्टीप्लाई, ऐसा तो लोग सोचते नहीं, तो उनको कैसे पता चलता है, उनका बॉडी का यही सर्कैडियन साइकिल, इससे उनका बॉडी ईयरली साइकिल में ढला होता है कि अच्छा एक साल एग्जैक्ट 1 साल के बाद हमको ब्रीड करने का टाइम है, पूरा बॉडी उस वक्त तक मैच्योर हो चुका होगा, पूरा हार्मोन हाई होगा जो भी ब्रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह का जो कुछ भी सब कुछ ठीक है। अब भी चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब अगला नहीं, एक आध पॉइंट और, एक पॉइंट और छोटा सा नन्ना मुन्ना सा पॉइंट है लिखेंगे। सिक्रीशन डिक्रीजेस आफ्टर 10 to 12 years ऑफ एज, दस से 12 साल के बाद सारा सिक्रीशन खत्म हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्यों, ये हम ह्यूमन का बता रहा हूं ये वाला पॉइंट, ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिशन, ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिशन।
ठीक है। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कलर चेंज कर देना प्रेफर करूंगा इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना। मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, बॉडी पिगमेंटेशन का बात हो रहा है, ये जो स्किन में मेलाटोनिन का बात किए थे, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आवर डिफ एंड आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, डिफेंस कैपेबिलिटी, हमारे बॉडी में डिफेंस करने का क्षमता को भी यही इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। अभी चीज थोड़ा फास्ट हो जाएगा, आप टेंशन नहीं। थायराइड ग्लैंड, इसमें भी थोड़ा सा रोना है, थोड़ा लंबा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, लार्जेस्ट ग्लैंड आप जानते हो, ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन कौन? लिवर। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन? थायराइड, याद रखना। हाँ, चलिए। अगला पॉइंट, लोकेटेड ऑन, या से पहले, कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स। लोकेशन का बात छोड़ो, गर्दन के पास होता है, सब कोई जानता है। कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, विच आर कनेक्टेड बाय इस्थमस। देखो नाम का बड़ा चक्कर है बाबू, इस्थमस रिप्रोडक्शन में भी आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना, फलोपियन के पास इस्थमस, इन्फंडिबुलम, ये सब मिलना है, तो आप ही को देखना भाई, आप कैसे मैनेज कीजिएगा।